नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। यह हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारा देश कुल ग्लोबल कृषि का 11% उत्पादन करता है, जिस वजह से दुनिया के सबसे अधिक कुपोषित देशों की सूची में इसकी गिनती की जाती है। कृषि लगभग आधी भारतीय आबादी के लिए रोजी रोटी प्रदान करता है, जिनमें से ज्यादातर किसान छोटे वर्ग के हैं, लेकिन ज्यादातर सरकारी योजनाओं का फायदा मध्यम और उच्च श्रेणी के किसानों को ही मिलता है और छोटे वर्ग के किसान इन योजना का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है। दरअसल सरकार द्वारा चलाई गई तमाम योजनाओं के बावजूद भी किसान की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो सका। स्लो ग्रोथ, उत्पादन में कमी, किसान की व्यक्तिगत आय जैसी सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र को नवाचार और विकसित तकनीकों की आवश्यकता है, जो कृषि क्षेत्र का मॉडर्नाइजेशन करने में मदद करेंगे। इसी वजह से विकास में एग्रीटेक एक अहम भूमिका निभा सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है एग्रीटेक। एग्रीटेक एक ऐसा स्पॉट है जो इस समय एग्रीकल्चर वैल्यू चेन की तरह तरह की समस्याओं के लिए एक ही जगह पर ओपन एक्सेस देता है। दरअसल इंटरनेट के विस्तार के साथ बाजार भी बढ़ा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका अहम रही है, लेकिन खेती में बदलते नियम और योजनाओं को लेकर हमें अभी भी सुधार करने की जरूरत है। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल सही मायनों में ग्रामीण भारत का डिजिटाइजेशन शुरू होगा। भारत में एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को इकोसिस्टम द्वारा संबोधित किया जाएगा। नीम ट्री एग्रो के संस्थापकों का भी यही मानना है कि साल 2022 कृषि के लिए अभी तक का सबसे बड़ा साल साबित हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नीम ट्री एग्रो सॉल्यूशंस के बारे में। ये सॉल्यूशन साल 2019 से शुरू हुई। दिल्ली स्थित नीम ट्री एग्रो सॉल्यूशन एक सॉफ्टवेयर SaaS सर्विस आधारित एग्री टेक कंपनी है, जिसका उद्देश्य देश के हर किसान के लिए किफायती, कुशल और सरल समाधान उपलब्ध कराना है। ये कंपनी डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित DSS की मदद से फसल पैदावार की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने पर विशेष ध्यान देती है। उत्पादक की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए ये डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली का उपयोग करती है। इसका मिशन किसानों को तकनीकी ज्ञान, प्रौद्योगिकी, मार्केटिंग और विस्तार सेवाएं प्रदान करना है, ताकि किसान विभिन्न तकनीकों को प्रभावी ढंग से अपनाकर पैदावार की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार कर सके। ये कंपनी विशाल डेटा के कुशल उपयोग करके किसानों के लिए बेहतर निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करती है, ताकि वे उचित निर्णय ले सके। ये कंपनी किसानों को अपनी ऐप के माध्यम से आसान एक्सेस देती है। तीन युवाओं द्वारा की गई थी नीम ट्री एग्रो सॉल्यूशंस की शुरुआत। बता दें, नीम ट्री एग्रो सॉल्यूशन की शुरुआत तीन युवाओं ने अपने कॉलेज के दौरान की थी, जिनके दृष्टिकोण की प्रशंसा देश के IT और प्रमुख ट्रेड एसोसिएशन नेस्कॉम, FITD, CIEME ने की है। न सिर्फ सराहना, बल्कि एक लक्ष्य लेकर साथ काम करने के लिए निवेशकों के रूप में इस कंपनी से जुड़ चुके हैं। इन तीनों में से सबसे छोटा संस्थापक पारस जैन अभी बीटेक कर रहे हैं। तीनों ने सफलता प्राप्त करने में बहुत ईमानदारी और ताकत दिखाई है। इस कंपनी के रूप में इनकी मेहनत ने साबित कर दिया है कि ये तीनों बड़े ही नहीं हैं, लेकिन अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इनके पास पर्याप्त जज्बा और लगन है। देश के ग्रामीण इलाकों में कंपनी ने गौर किया कि किसान अपनी समस्याओं का समाधान का आसान और वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं, जिसके लिए इनपुट रिटेलर होता है। कंपनी के पास नए दृष्टिकोण के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों की सभी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता, डिजिटल खेती के तरीके और इससे जुड़ी हुई कृषि सेवाएं लाखों भारतीय किसानों का जीवन सुधार सकती है। ये एक ऐसी तकनीक है जो व्यक्तिगत क्षेत्रों में फसलों की जरूरतों तथा खेती को आसान बनाने के लिए डेटा का स्मार्ट तरीके से उपयोग करती है। तकनीक का अच्छा उपयोग बेहतर आउटपुट और उपज की गुणवत्ता को अधिकतम करने में मदद करता है और ये जोखिम प्रबंधन में मदद करता है। ये बचाव हेतु देखभाल को बढ़ाने और उत्पादक उपभोक्ताओं संतुष्टि को बढ़ाने में भी सहायक करेगा। जल्द ही हम नीम ट्री एग्रो सॉल्यूशन द्वारा AI सक्षम रोबोट, IoT आधारित स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, स्वचालित ट्रैक्टर जैसी चीजें देखेंगे, जिससे प्रति एकड़ भूमि में लगभग 4 खेतीहर मजदूरों की आवश्यकता को कम करके भारी लागत से बचाया जा सकेगा। वहीं धीरेश सह संस्थापक और CEO श्री पारस जैन, सह संस्थापक और CTO श्री निशांत चौहान, सह संस्थापक CFO और नीम ट्री एग्रो सॉल्यूशन के प्रमुख। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।